नमस्कार, न्यूज प्लेस में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताजा खबर की ओर। राजस्थान की वीर भूमि के युवाओं ने हमेशा ही सेना को लेकर खेलों तक देश की शान बढ़ाई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, पाली सांसद श्री पीपी चौधरी, खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, पशुपालन मंत्री श्री जोराराम कुमावत, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री श्री अविनाश गहलोत, ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री ओटाराम देवासी रहे मौजूद। पाली में 3 फरवरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा एवं पाली सांसद पीपी चौधरी व जिला प्रशासन के सहयोग से सांसद खेल महाकुंभ का भव्य आगाज शनिवार को बागड़ स्टेडियम में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा के वर्चुअल व राज्य के खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, पशुपालन मंत्री श्री जोराराम कुमावत, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री श्री अविनाश गहलोत, ग्रामीण विकास विभाग राज्य मंत्री श्री ओटाराम देवासी की मौजूदगी में हुआ। आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली संबोधित करते हुए कहा कि खेलों में कभी हार नहीं होती, खिलाड़ी सीखता जरूर है। सांसद खेल महाकुंभ में जो उत्साह नजर आ रहा है वह अभूतपूर्व है। खिलाड़ियों की राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने की भावना को इस आयोजन से बल मिला है। खेल महाकुंभ ने खिलाड़ियों को तलाशने एवं तराशने का माध्यम बन रहा है। सांसद आने वाले समय में बेटियों के लिए भी विशेष खेल महाकुंभ का आयोजन करने जा रहे हैं। पाली में 1100 से ज्यादा स्कूलों के बच्चों ने तथा 2 लाख से ज्यादा खिलाड़ियों ने इस खेल महाकुंभ में भाग लिया। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने अपने संदेश में कहा कि राजस्थान की वीर भूमि के युवाओं ने हमेशा ही सेना से लेकर खेलों तक देश की शान बढ़ाई है। खेलों की अच्छी बात यह है कि ये ना सिर्फ आपकी जीत की आदत विकसित करते हैं बल्कि लगातार आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देते हैं। खेल हमें सिखाता है कि सर्वश्रेष्ठ की कोई सीमा नहीं होती, पूरी शक्ति से प्रयास करते रहना चाहिए। खेलों से इच्छा शक्ति भी मजबूत होती है। अलग अलग लोकसभा में 2020 से चल रहा है, लेकिन पाली लोकसभा क्षेत्र में ये कार्यक्रम अपने आप में एक भव्य रूप, एक अपने आप में ऐतिहासिक। आज जो ये कार्यक्रम हो रहा है सिर्फ पाली नगर परिषद क्षेत्र में ही नहीं, ये कार्यक्रम पूरे पाली लोकसभा क्षेत्र के इस 1100 स्कूल इसमें सम्मिलित हैं और 2 लाख हमारे खिलाड़ी विद्यार्थी सांसद खेल महाकुंभ का टी शर्ट पहन के अपने अपने विद्यालय में ये आपको सबको जो आनंद स्टेडियम यहाँ से लाइव जा रहा है, आप सबको 2 लाख विद्यार्थी देख रहे हैं, उनके अभिभावक देख रहे हैं, पूरे पाली लोकसभा के क्षेत्र में देख रहे हैं, पूरे देश में ये लाइव है। तो हमें इस बात का गर्व है कि थोड़ी देर के बाद में हमारे प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे बीच में आकर करके हमें अपना मार्गदर्शन करेंगे। प्रचार करने के लिए हमारे सांसद बोले कि आज तो खेल है, उसके लिए मैं इनको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ। इसी महाकुंभ के अवसर पर आप हम सबका दायित्व बनता है कि इस खेल के खेल को इस भावना के साथ में हम सब मिलकर खेल कर हमारे आने वाले जो भविष्य है, हमारे हिंदुस्तान का जो भविष्य है, हमारे राजस्थान का जो भविष्य है, उसको उज्ज्वल करने के लिए तो कार्यक्रम रखा है। जय दिल से मैं इनका अभिनंदन करता हूँ और विशेष तौर से इस कार्यक्रम में आने का आप सबका आग्रह था जो आपको भी आना है, तो मैं जय दिल से पूरे पाली जिले को और पाली जिले के सभी पदाधिकारी और सभी कार्यकर्ताओं का जय दिल से अभिनंदन करता हूँ। सांसद महोदय का आप सबके बीच में आने का मुझे भी सौभाग्य मिला। इसके साथ राजस्थान सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट को जिस सरकार का मकसद है कि आने वाले समय में हर सांसद हर जिले में खेल महाकुंभ करे। पाली में अपनी खेल प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन करने वाले सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई। खेलों में हार तो कभी होती ही नहीं है, खेल में
या तो आप जीतते हैं या तो खेल में आप सीखते हैं। इसलिए मैं सभी खिलाड़ियों के साथ ही उनके जो कोच वहां उपस्थित हैं, सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन किया। अभी हमने देखा राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हम सबको इस महाकुंभ के आयोजन में अपना मार्गदर्शन लाइव आकर दिया। ये बहुत ही ऐतिहासिक पल हम सबके लिए कि देश की 140 करोड़ की आबादी में अगर पाली जिले को माननीय प्रधानमंत्री आज इस विशाल अवसर पर अगर संबोधित करें, मैं समझता हूँ कि आदरणीय पीपी चौधरी साहब और संपूर्ण पाली वासियों के बहुत ऐतिहासिक अवसर है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी पाली का विशेष नाम लेकर हम सबको संबोधित कर अपना मार्गदर्शन प्रदान करें, ऐसा विराट मौका बहुत कम समय में मिलता हम सबको। माननीय सांसद महोदय, हालांकि मेरा कार्य क्षेत्र पाली जिला नहीं है, हम लोग संसदीय क्षेत्र के हिसाब से राजसमंद में हैं, लेकिन आपका विशेष करना चाहूँगा, उनका आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने ये पाली जिले में सांसद खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया और इतना बड़ा विशाल भव्य आयोजन किया। निश्चित रूप से हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी जो अभी लाइव आए थे और खेलों के प्रति उतने कितने उनके रुचि है, एक पाली जिले के जो ये खेल महाकुंभ का आयोजन हो रहा है उसमें भी संदेश देने के लिए यहाँ पर लाइव हुए, निश्चित रूप से ये खेलों के प्रति उनकी रुचि दर्शाता है। हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी भी की खेलों के प्रति रुचि है और वो भी लाइव आकर के यहाँ के कार्यक्रम को हम शुभकामनाएं देता हूँ। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि पाली के इस कार्यक्रम को आज संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी खुद उपस्थित हुए और उन्होंने आप सबका मार्गदर्शन करा। बड़े लेवल पर ये खेलों का जो आयोजन हुआ है उसके लिए मैं सभी स्कूल के टीचर्स और पीटीआई को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जैसे कहा कि बच्चे जब खेलते हैं तो जीवन के अंदर जो सबक होते हैं वो चंद घंटों में सीख लेते हैं। उन्होंने अपनी बात में पहले रखा था कि जो खेलता है वो खेलता है, ये बहुत महत्व लगे हैं नव निर्माण करना चाहते हैं नए भारत का, और वो निर्माण उस निर्माण के अंदर युवा पीढ़ी का निर्माण बहुत ही जरूरी है, उनके व्यक्तित्व का निर्माण बहुत ही जरूरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर तो हो ही रहा है, आप देख रहे हैं किस के तेज गति से होते भारत दुनिया के अंदर महत्वपूर्ण होता जा रहा है हर तरह से। आपके स्टार्टअप्स यहाँ पर हो रहे हैं, आपकी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ, टेक्नोलॉजी यहाँ आ रही है हर तरह से, लेकिन व्यक्तित्व निर्माण प्रधानमंत्री मोदी जी जानते हैं क्योंकि खुद वो एनसीसी में रहे हुए हैं, खुद वो बचपन में खेले हुए हैं, कि खेलों से एक बड़े सरल सस्ते तरीके से व्यक्तित्व निर्माण होता है। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी ये आग्रह करते हैं कि सब बच्चे खेलें, स्वस्थ रहें, अच्छा भोजन खाएं, श्री अन्न है, बाजरा हमारे राजस्थान का है वो खाना चाहिए, और सभी सांसदों को प्रेरित करते हैं कि वो सांसद खेल प्रतिस्पर्धा का आयोजन करें। सर, इन सब खेलों के अंदर किस प्रकार का देंगे, वो कहाँ तक, उन्हें क्या मौके दिए जाएंगे आगे? देखिए, ऐसा है कि हर लेवल पर जीतने से सीधे ही आपको कहीं ऊपर ओलंपिक के लिए नहीं जा सकते, उसका अलग अलग है। सीढ़ी जैसे चढ़ते हैं, सीढ़ी का सबसे पहला पायदान होता है, उसके बाद दूसरा आता है, तीसरा आता है, कहीं ना कहीं से तो शुरुआत होती है ना। ये शुरुआत है, ये एक तरह से आप कहिए कि इनको इनकरेज करा जा रहा है, इनको प्रेरित करा जा रहा है, खेलने का एक माहौल बनाया जा रहा है। स्कूलों के अंदर शिक्षा के सॉरी स्पोर्ट्स के पीरियड ही खत्म होते जा रहे थे, है ना, तो उसको वापस से उसका महत्व बताया जा रहा है। तो यहाँ से बच्चे कहाँ जाएंगे, यहाँ से बच्चे अगले मुकाबले में जाएंगे, है ना। अब मुझे बताइए आपके मोहल्ले में कब हुआ था लास्ट मुकाबला? साल हो गया ना, तो आप पकड़े गए यहाँ पर, ठीक है ना। हर चीज़ भारत सरकार नहीं करती है,
आप अपने मोहल्लों में कार्यक्रम करवाइए, बच्चों को खिलवाइए और फिर पीठ थपथपाइए और कुछ देने की जरूरत नहीं है, उनको लगेगा हाँ मैं हीरो हूँ, बनाइए ना हीरो तो बनाइए लोगों। सर गत सरकार ने जो है खेलकूद के अंदर जो है किस प्रकार से भ्रष्टाचार किया टी शर्ट को लेकर के, वो मैं सदन में बोल चुका हूँ, उसको चला दीजिएगा अपने टी वी चैनल। मैंने बहुत कुछ कहा कुछ जैसे सांसद ने पिछले साल भी माकूम करवाया था। देखिए बच्चों के लिए यह है कि पूरा उनका जो भविष्य है उनके सामने है और ये बुनियादी उनके वर्ष है, बुनियादी वर्ष के अंदर जब वो स्कूल जाते हैं तो ये सिद्ध हो जाता है कि वो अनुशासित हैं, हर दिन सुबह उठ के स्कूल जाना, होमवर्क करना, सब लोगों से साथ मिलके काम करते हैं तो उनको टीम की भावना सीखते हैं, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप सीखते हैं, गुरु से सीखना सीखते हैं, वो वहाँ पे उनके कोचेज हुए या टीचर्स हुए, तो बुनियादी ये एक वर्ष है और उसी के अंदर एक व्यवहार उनका सही हो, व्यक्तित्व उनका सही निर्माण हो, उसके लिए टीचर बहुत महत्वपूर्ण है। ये टीचर सिर्फ मैथ का टीचर सिर्फ मैथ ही पढ़ाए तो वो टीचर कैसे, टीचर का होता है काम कि व्यक्तित्व निर्माण करना।